देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, आप देख रहे हैं प्राइम चाचा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक सभी तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रही है। तो वहीं लोग अपने घरों पर झंडा लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में जल थल वायु सेना भी पीछे नहीं है। हर साल सेना के जवानों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे नौसेना की। नौसेना में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कौन कौन से हैं वो युद्ध जिसमें नौसेना की अहम भूमिका रही है, आज जनता का नजरिया कैसा रहता है नौसैनिकों के प्रति, जल थल वायु सेना के पराक्रम की भी बात करेंगे। साथ ही उन युद्ध की भी बात करेंगे जिसमें तीनों ने संयुक्त रूप से देश को जीत दिलाई है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर ईशान शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, जो 2012 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बने। तब उनको उस समय के एकमात्र विमान वाहक युद्धपोत INS विराट में अपना साहस और शौर्य दिखाने का अवसर मिला था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राइम टीवी पे। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस तरह से आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम चाहेंगे कि आप उसी से शुरुआत करें। थैंक यू शिखा जी, और मैं आपकी सभी ऑडियंस को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश लगातार लीप्स एंड बाउंड आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारे यहाँ काफ़ी प्रगति हो रही है, और इस प्रगति में हमारी तीनों सेनाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक आप देखें तो हमारे देश के सारे बॉर्डर्स, हमारे सी लेन्स, इन सबको सुरक्षित रखने का काम हमारी तीनों सेनाओं ने बहुत मजबूती से किया है, और ये हमारी टोटल प्रोग्रेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जी। अगर नौसेना की बात करें, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जल थल वायु सेना, तीनों सेनाएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाती हैं, देश का हर पर्व मनाती हैं, लेकिन अगर बात करें हम नौसेना की, क्योंकि नौसेना का जो प्रदर्शन होता है वो परेड में तो देखा ही जाता है, लेकिन जो नौसैनिक होते हैं वो जब अपने कार्यस्थल पर होते हैं तो वो कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस पर भी हम जानकारी चाहेंगे आपसे। तो शिखा जी, नौसैनिक और हमारे थल सेना और वायु सेना, हमारे यहाँ सारी सैनिकों का एक ही तरीके से मिलने जुलने का और सारा रवैया एक ही ऐसा होता है जी। और इसलिए हमारे यूनिट्स में, चाहे वो फॉरवर्ड एरिया में हो, चाहे जहाज पे हो, चाहे वायु सेना की यूनिट्स हो, हर जगह आज के दिन और कल के दिन, जिस दिन भी हमारे देश के कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, तो झंडा रोहण होता है, वहां पर सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं और हम लोग एक तरीके का उत्सव और उल्लास का माहौल रहता है जी। कि हमारे देश की इंडिपेंडेंस हुई थी आज, और हमारे लोगों ने इसके लिए कितना ज्यादा बलिदान किया जी। और हम ये लोकल सिविल फोर्सेस के साथ भी काफी इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ एक त्यौहार का मौका रहता है, बड़ा खाना होता है, और सेना के सारे बड़े अधिकारी आके जवानों के साथ खाना खाते हैं, और एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट रहता है कि हम लोग इस मोमेंट को शेयर करते हैं, ताकि इस चीज़ को सारे सैनिक और सारे अफसर साथ में खुशी से निभा सकें जी। ईशान जी, हमने कई मूवीज़ देखी है जिसमें थल सेना का अहम योगदान दिखाया है, कई बड़े बड़े युद्धों के बारे में जनता को जागरूक भी किया है, जानकारियां दी हैं, इतिहास के बारे में बताया है, लेकिन अगर नौसेना की बात करी जाए तो उन पे अभी तक कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं बनी है, तो नौसेना के युद्धों के बारे में जानना चाहेंगे, कौन से वो युद्ध रहे हैं जिसमें नौसेना की अहम भूमिका रही है? देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे 65 के टाइम पे हो, चाहे 71 के टाइम के हो, चाहे कारगिल हुआ हो, और उसके लेटेस्ट अभी तक हमने बालाकोट किया, तो इन सब में नौसेना अपनी हाईएस्ट रेडीनेस में रहती है जी। और 71 के टाइम में तो हमने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि हमने एनिमी फोर्सेस के ऊपर
एक्टिवली एंगेज भी किया, उस पर हमला भी किया और उसे न्यूट्रलाइज भी किया। जी तो अगर आप देखा जाए कि ओवरऑल क्योंकि सेना का, नौसेना का जो ऑपरेटिंग एरिया है जी, वो समुन्दर में होता है और समुन्दर में जो वॉर जाता है वो एक्चुअली वॉर का एंड होता है क्योंकि वहां पर सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है। जी। और उस नौबत तक आने का मतलब ये है कि पूरे कंट्री लेवल पे डैमेजेस होते हैं। जी। तो अभी तक हाल फिलहाल में रिसेंट टाइम्स में इतना एस्केलेशन नहीं हुआ है वॉर्स का, और लास्ट जो वॉर हुआ था वो 1971 का था जहां पर हमारी नौसेना ने एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था। एंड उसके बाद हम लोग सारे जहां भी हाइटेंड टेंशंस होते हैं वहां पर हम बहुत एक्टिवली समुंदर पे नजर रखते हैं और एनिमी वॉरशिप्स को आने से रोकते हैं। जी, युद्ध अभ्यास की बात करी जाए तो ऐसा भी देखा जाता है कि सभी सेना के जो जवान होते हैं वो युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। तो युद्ध अभ्यास नौसेना का कहाँ होता है और सबसे ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा तैनाती की जरूरत है, जहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ता है नौसैनिकों को? देखिए, युद्ध अभ्यास के लिए तो पूरा समुन्दर हमारा युद्ध अभ्यास की फील्ड है जी, क्योंकि जो हमारे होस्टाइल कंट्रीज हैं वो हमारे तरफ कहीं भी सी लेन से एंटर कर सकते हैं, इनफैक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है। तो हमारा जो अभ्यास का क्षेत्र है जी, वो पूरा अरेबियन सी और हमारा टोटल इंडियन ओशन रीजन में हम अभ्यास करते रहते हैं जी, और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ भी अभ्यास करते रहते थे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके, ओमान से लेके, इवन अमेरिकन्स और न्यूजीलैंड नेवी, सबके साथ हम अभ्यास करते रहते हैं। जी सर, अगर बात करी जाए थल सेना की, जल सेना की या फिर वायु सेना की, तो अगर अलग अलग युद्ध लड़ना हो तो काफी आसान रहता है क्योंकि आपकी टीम होती है, आपको पता रहता है कि कैसे आपको ऑपरेशन को सफल बनाना है। लेकिन जब एक साथ काम करना होता है तीनों सेना को, तो उसमें कड़ी चुनौतियां होती है क्योंकि आपको सबके साथ कॉपरेट करके काम करना रहता है, कमांड्स फॉलो करने रहते हैं एक दूसरे की। तो उन युद्ध के बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे जब तीनों सेना ने एक साथ काम किया है और सफलता भी पाई है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल 1971 का वॉर है, तीनों फोर्सेस ने बहुत ही सिनर्जी से काम किया जी, और जो भी हमें टारगेट्स थे, जो हमारे गोल्स थे, उसको बहुत बहुत बखूबी अचीव किया जी। और ये सारा प्रोसेस धीमे धीमे और बेटर होता जा रहा है, जैसे कि तीनों फोर्सेस में इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है क्योंकि कई सारी कमांड्स जहाँ पे तीनों सर्विसेज के लोग एक साथ प्लेस किए जा रहे हैं, और उसका मेन एम यही है कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े। जैसे कि आप देखेंगे अंडमान में, अंडमान निकोबार आइलैंड पे इट्स अ ट्राई सर्विस कमांड जहाँ पर तीनों सर्विसेज के लोग होते हैं, और ये इसका मेन उद्देश्य यही है ताकि हम आपस में बहुत सिनर्जी रखें और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे आने वाले वॉर्स के लिए और बेटर तरीके से तैयार रहें। जी, परिवार से दूर रहते सैनिक और देशभक्ति की जो उनमें भावना होती है वो आम लोगों में नहीं होती है, तो अगर एक सैनिक की बात करी जाए तो कैसे उनमें ये जज्बा आता है कि हम देश के लिए शहीद हो जाएंगे? क्योंकि आम नागरिक जो होता है वो अपने बारे में पहले सोचता है, अगर सामने मौत खड़ी होती है तो ये सोचता है कि हम बच जाए या फिर अपने परिवार को बचा ले। लेकिन जो एक जवान होता है जो देश की सीमा की रक्षा करता है, तो उसके मन में ये भावना कैसे आती है कि मैं शहीद हो जाऊँ लेकिन अपने साथियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, इसके पीछे का क्या राज है? तो शिखा जी, इसके पीछे मैं आपको दो सेंटेंसेस में ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के साथ आप दिन रात यूनिट में रहते हैं जी, और कंधे से कंधा मिलके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं जी, उनमें से एक को भी अगर एक काटा तिनका भी चुभ जाता है तो पूरी यूनिट को दर्द होता है जी। तो आप किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ सकते, और अगर बात होती है कि आगे से डिफेंस करने की, किसी एनिमी फोर्सेस को पीछे करने की, तो एक नहीं, वो हम पूरी मुट्ठी बन के आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी यूनिट एक साथ मिलके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। और उस समय कोई भी अपने इंडिविजुअल बारे में नहीं सोचता है क्योंकि हम जब मुट्ठी बन के काम करते हैं वही हमारी ताकत होती है और वही हमें सफलता प्राप्त कराती है।
जी, लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पर रहते हुए आपने कौन कौन से कठिन फैसले लिए हैं, अगर आपके अनुभव की बात करी जाए, आपके अभी तक के सफर की बात करी जाए, तो उसके बारे में भी जानकारी हम चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, तो कठिन डिसीजंस तो हमारे सामने रोज ही आते हैं। जी। जैसे अगर हम लोग ओपन सी में डिप्लॉयड है, जैसे मैं विक्रमादित्य पे था, तो वहां पे मिग्स ऑपरेट करते हैं, हम लोग ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। जी। और बहुत हाई मोमेंटो के साथ, हाई मोमेंटम के साथ हमें अपने मिशंस को अचीव करना होता है। और ऐसे टाइम में अगर आपके सिस्टम में, इक्विपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको बहुत जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ता है, बिकॉज पूरे मिशन की सफलता आपके डिसीजंस पे डिपेंड करने लगती है। जी। क्योंकि एक भी चीज अगर उस पूरे सिस्टम में काम नहीं करेगी तो पूरा पूरा मिशन फेल हो जाएगा। और ये हमारे लिए रोज एक चुनौती के साथ आता था, हर एक सुबह एक नई चुनौती के साथ आती थी, और हमें ये देखना रहता था कि कैसे हम अपनी इक्विपमेंट, अपनी मशीनरी को बेस्ट तरीके से अवेलेबल करा पाए, ताकि हमारे जहाज, हमारे जो मिशंस हैं, वो सफलतापूर्वक पूरी तरह से अंजाम लें। जी, आपके फर्स्ट मिशन के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान का फर्स्ट मिशन या फिर पहला काम बहुत ही यादगार रहता है, तो आपका फर्स्ट मिशन कैसा रहा था, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कैसी रही थी? बिल्कुल, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सी पर आईएनएस विराट पे थी। अभी आईएनएस विराट डीकमीशन हो चुका है, और आपको बता दूं कि आईएनएस विराट दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले वॉरशिप में था, क्योंकि पहले वो ब्रिटिश नेवी के पास था, रॉयल ब्रिटिश नेवी के पास, उसके बाद हमने लिया और काफ़ी सालों तक ऑपरेट करते रहे। तो विराट पर पोस्टिंग मेरा बहुत दिल के करीब थी, बिकॉज उस जहाज को भी चलाना एक चैलेंज था। जहाज काफ़ी पुराना हो चुका था, बट उसमें उसके इक्विपमेंट को लगातार सही रखना उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको मैं, हमारी टीम ने बहुत सफलतापूर्वक हासिल किया, और काफ़ी सेटिस्फाइंग रहता है जबकि आप ऐसे भी पुराने उपकरण को से भी बेस्ट काम ले पाए। जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को वॉरशिप्स के बारे में भी बताएं, क्योंकि लोगों में ये उत्सुकता रहती है जानने की कि किस किस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, किस तरह के वॉरशिप्स होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिले, वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो हमारी नेवी में जैसे प्राइमरली आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं। जी। तो सबमरीन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि वो समुंदर के नीचे जाकर अपने मिशंस करते हैं, अपने कोई भी हॉस्टाइल नेशन हमारे अंदर ना आ पाए उस पर मॉनिटर करते हैं, और एक साइलेंट वॉरियर की तरह समुंदर की रक्षा करते हैं। जी। और फिर हमारे पास होती है डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, जो कि और छोटे शिप्स होते हैं, छोटा नहीं कहूंगा, मतलब वो भी काफी बड़े होते हैं, उनमें से 300 से 400 लोग रहते हैं जहाज पे, और काफी सारे वेपन्स उसके ऊपर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मोस से लेके अभी और भी काफी सारी मिसाइल्स, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं, गन्स होती हैं, जो कि किसी भी तरीके से युद्ध में सामने वाले एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विप रहती हैं। और फिर आप लोग ने सबने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसके डेक से MiG-29 के टेक ऑफ करते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी ये कि वो किसी कितनी भी दूर जाकर, जो उनका एंड्योरेंस लिमिट है, एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और वापस डेक पे लैंड कर सकते हैं। जी, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार कई ऐसे जो युद्ध के सामान हैं वो बना रही है, इंपोर्ट करने के बजाय अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, बहुत सारी ऐसे चीज़ें लाई भी जा चुकी है, अभी तक तैयार भी की जा चुकी है, तो उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे जिनको अभी तक सेना में जगह मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए सेना में काफ़ी टाइम से चीज़ चल रही थी, हमारे यहाँ जो शिप के हल का काम होता है वो सब काफ़ी पहले से शुरुआत कर दिया गया था कि वो टोटली इंडिया में बने। जी। और जो इक्विपमेंट बाहर से आते थे उनको भी काफ़ी कन्वर्ट किया गया है, ताकि वो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हम यूज़ करें,
ताकि हमारे जो यहाँ पर बिजनेसेस हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसे इक्विपमेंट बना रही हैं, जी उनको भी बढ़ावा मिले और हम खुद सेल्फ रिलायंस पे अचीव कर पाए। जी तो इस पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा है और हम इस पे बेहतर होते जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट एयरफोर्स में भी आप देखेंगे, जैसे कि ध्रुव ALH हमारी कंट्री में ही बना है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि नेवी के भी कई शिप्स, छोटे शिप्स होते हैं जी जो कि हमने छोटी कंट्रीज को भी यहाँ से बना के भेजे हैं, जैसे मॉलडीव्स हो गया, और इस तरीके की कंट्रीज को हमने यहाँ के बने हुए शिप्स भी दिए हैं। जी नए हथियारों की बात करी जाए जो कि या भारत में बन रहे या फिर इंपोर्ट भी करे जाते हैं, तो उनको चलाने में क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं? उनका प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है? कैसे तैयार किया जाता है नए युवाओं को जब उनकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है? इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। तो शिखा जी, इसके लिए एक बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में बाहर से आए हुए जो अगर इक्विपमेंट है तो वहाँ के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको हर एक चीज़ को उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, और आपको उस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जी और जब आप उसके ट्रेनिंग के बाद आपके ऊपर उसके ऊपर कई बार आपको मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपके ऊपर एग्जामिनेशंस होते हैं, और जब आप पूरी तरह से उस पर सफल हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तभी आपको उसका इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। जी अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करी जाए तो काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो क्या स्वतंत्रता दिवस के दिन नौसेना के कमांडर्स जो होते हैं या फिर बात करी जाए जो पूरी टीम होती है, वो क्या समुद्र में भी कुछ इस तरह का अभ्यास करती है? क्योंकि जैसे देखा जाता है कि आसमान में तिरंगे बनाए जाते हैं, तो क्या समुद्र में भी कुछ इस तरीके से अलग से कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये एक सेलिब्रेशन का डे होता है जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी तरीकों के फंक्शंस होते हैं। जी इसमें जैसे कि फैमिली डे एट सी भी किया जाता है, जिसमें कि हमारे फैमिलीज हैं उन सबको जहाज़ पर आने का मौका मिलता है, और उस दिन हमारे जो नेवी के एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी सेम एयर डेमो करते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें शोकेस करी जाती हैं। जी और तिरंगा तो हमारे यहाँ हर जगह ही लगा ही रहता है, जी तो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। अगर छुट्टी की बात करी जाए, क्योंकि जो देश की सेवा में लगे हुए हैं वो चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, जल थल वायु तीनों ही सेना के जितने भी हमारे देश के रक्षक हैं, उनको छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। परिवार से दूर रहना, काम पे लगे रहना, तो ऐसे में छुट्टियां जब कम मिलती हैं तो कैसा महसूस होता है और कितने दिन बाद आपको घर जाने का मौका मिलता है? शिखा जी, अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। लोगों को जाने का मौका मिल जाता है। आजकल काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करी गई हैं ताकि जब आप ऑपरेशनली रिलैक्स्ड होते हैं तो आपको छुट्टी जनरली मिल जाती है और लोग जा सकते हैं अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ऑब्वियसली अगर आप बाहर हैं तो। जी और उसके बाद यह है कि आपको जैसे 60-80 दिन की जो छुट्टी मिलती है हम लोग के यहाँ, जी उसमें आप फुली अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, और वही एक समय ऐसा होता है कि हाँ, जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताकर सारा और डिफिकल्ट टाइम भूल सकता है इंसान। जी अगर आपके जितना भी आपने अपना टाइम बिताया है लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पे या फिर नौसेना में जितना भी समय बिताया है, तो आपका अगर सबसे कठिन समय पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है या फिर इसमें आपकी जान भी जा सकती है? हाँ, तो इसके लिए ऐसा होता है कि जैसे कि मैं रडार्स का ऑपरेशंस देखता था, तो हमारे यहाँ जो रडार्स होते हैं वो जहाज़ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर होते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मिशन डिप्लॉयड हैं और ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो अगर आपके रडार को कुछ डिफेक्टिव हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ऐसे टाइम पे आपको चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपको वहाँ तक क्लाइंब करके जाना होता है। उसके लिए अंदर मतलब उसका काफ़ी डिफिकल्टी होती है, उसको आपको बाहर से हैंग होके चाहे किस तरीके भी आपको उसको सही करना है, बिकॉज काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती है उस टाइम पे, एंड जान का खतरा हमेशा रहता है जी क्योंकि
आप एक डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, उसमें जोखिम भी है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ डर सबके अंदर रहता है, जी बट उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है, और ये आपके साथ डे इन एंड डे आउट होता है, क्योंकि वहाँ से मिग्स फ्लाई कर रहे हैं और आपको हर टाइम चौकन्ना रहना है, और आप किसी भी टाइम रिलैक्स नहीं हो सकते उसमें। जी जनता के नजरिए की बात करी जाए तो नौसैनिकों के प्रति जनता का नजरिया आपको क्या लगता है, कैसा रहता है? हमारी सेना, हमारे जो जनता है, वो हमें उतने ही प्यार मोहब्बत हम हर समय न्यौछावर करती रहती है, जिसका हमारे सैनिक, हमारी सेनाएं एक्चुअली हकदार हैं, और हमें लगातार प्यार मिलता रहता है। जैसे कि रक्षाबंधन हो या कोई भी त्यौहार हो, तो हमारे पास राखियां पहुंचती रहती हैं देश के कोनों कोनों से, और हमें लगातार दूर दूर देश के कोने से प्यार मिलता रहता है, जी और यही चीज़ हमें लगातार आके लेते जाती रहती है, और ये हौसला देती रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने देश में लोगों के लिए कर रहे हैं। जी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि देश की रक्षा में जिस तरह से आपका योगदान रहता है, एक आम नागरिक का भी रहता है, तो ऐसे में जनता को क्या संदेश देंगे? बस देश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लगातार आगे का सोचे, मेहनत करने से डरे नहीं, और काफी नई नई चीजें दुनिया में हो रही हैं, जी उसको सोचने समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी कंट्री में लगातार ऐसी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं जहां पर नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, और इन सब चीजों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, कई बार हमें निराशा हाथ लगती है, बट अगर हम बिना निराश हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर हमारे युवाओं को, हमारे देश को, सबको सफलता मिलेगी, और यही मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि वो लगातार मेहनत करते रहे और मेहनत से ना कतराए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर ईशान शुक्ला जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, साथ ही जल थल वायु तीनों सेना के ऊपर हमने बात करी, साथ ही साथ नौसेना के उन वॉरशिप्स के बारे में भी जानकारी ली जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जाता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।